बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता मृत्युंजय झा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर तंज कसते हुए कहा कि बिहार में हो रही महागठबंधन की बैठक के पहले अरविंद केजरीवाल की बेचैनी इस तरह बढ़ गई है कि वे बैठक से पहले केंद्र सरकार के खिलाफ बिल को लेकर समर्थन जुटाने के लिए पत्र लिख रहे हैं, हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फ्रंट की बात हो रही है और केजरीवाल जी इतने परेशान हैं कि अध्यादेश को लेकर के उनकी चिंता बढ़ गई है। तीसरे फ्रंट की जब मीटिंग होने जा रही है तब सबको प्रश्न लिख करके पत्र लिख करके यह विषय चला रहे हैं कि पहले हमारी बातों पर चर्चा हो। लेकिन यह समझना चाहिए कि केंद्र सरकार के पास कई ऐसे विषय हैं जो राज्य सरकार के पास नहीं है, वो केंद्र सरकार के अधीन है और इसलिए जब केंद्र सरकार ने यह अध्यादेश पारित किया तो उस अध्यादेश से आपको गुरेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस अध्यादेश में आप ही के नेतृत्व में कमेटी बनी है और आप जब उस कमेटी के अंदर मौजूद हैं तो फिर आपको इस पर प्रतिरोध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कई प्रकार के जब बार बार प्रश्न उठते हैं और आप सीधा सीधी केंद्र सरकार पर आघात करते हैं तो केंद्र सरकार ने पहल करके यह अध्यादेश लाया है तो आपको इसका समर्थन करना चाहिए। समर्थन के बजाय आप केवल मोदी जी का विरोध करना है, केंद्र सरकार का विरोध करना है, इस एजेंडा को लेकर चलेंगे तो ना आप अपना भला कर पाएंगे ना दिल्ली का भला कर पाएंगे। बिहार की राजधानी पटना में 23 जून को विपक्षी दलों की हो रही बैठक को लेकर सुशील मोदी ने कहा कि ये बैठक असल में ये वास्तव में भाजपा मुक्त भारत नहीं बल्कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाने के लिए हो रही है, क्योंकि ममता बनर्जी कह रही हैं कि कांग्रेस को बंगाल में चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, यानी बंगाल कांग्रेस मुक्त हो जाए। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं दिल्ली और पंजाब में कांग्रेस को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। कोई और कह रहा है कि तेलंगाना में कांग्रेस को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, यानी ये जो क्षेत्रीय दल है वो कांग्रेस मुक्त भारत चाहते हैं। 23 को जो बैठक है वो वास्तव में भाजपा मुक्त भारत नहीं बल्कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाने के लिए है। ये वास्तव में भाजपा मुक्त भारत नहीं बल्कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाने के लिए बैठक हो रही है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ममता बनर्जी कह रही है कि कांग्रेस को बंगाल में चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, यानी बंगाल में केवल टीएमसी चुनाव लड़े, यानी बंगाल कांग्रेस मुक्त हो जाए। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि दिल्ली में और पंजाब में कांग्रेस को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। KCR कह रहे हैं कि तेलंगाना में चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। तो यानी ये जो क्षेत्रीय दल हैं ये तो कांग्रेस मुक्त भारत चाहते हैं कि कांग्रेस मुक्त हो जाए उनका राज। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मैं 80 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा और कांग्रेस हमारी मदद करे। तब ये कांग्रेस को तय करना है कि वो कांग्रेस मुक्त भारत चाहती है कि ये वो क्या चाहती है।